चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गाइस, हम दीदी के पास आए हैं आज ये जानने के लिए, क्योंकि दीदी को ये भी इन्फॉर्म करने के लिए सुबह का टाइम है। और आज हमको न्यूज में आया कि बप्पी लहरी का देहांत हो चुका है, तो हम दीदी को बताएं कि दीदी थोड़ा सा बप्पी लहरी का सुबह में देहांत हो गया है। हाँ, तो बहुत दुख की बात है ना। हाँ। क्योंकि वो तो एक ये था, शायद राइटर भी था। हाँ, राइटर मतलब लेखक भी थे और डायरेक्टर भी और सिंगर भी है ना। तो वाकई में उनका जो आवाज बहुत ही मतलब तारीफ करने वाला, बहुत ही अच्छा तारीफ की लाइक है, वो तारीफ की लाइक है। हाँ। उनकी आवाज़ तो मैंने जब क्रिसमस के टाइम में मैंने उनकी आवाज़ सुनी। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ। उनका जो डेकोरेशन किया था मैंने क्रिसमस टाइम। हाँ। तो गौशाला बना था ना। हाँ। जीसस के बर्थडे का टाइम, तो क्या हुआ, जो इतना खूबसूरती से उन लोगों ने डेकोरेशन किया, सजाया पूरा, वो 16 पेपर से 16 से। लेकिन वो जो बनाया था, सब लोग दारू पी के बाद में उसका एकदम पूरा खत्म कर दिया। मतलब वो तभी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, हाँ। लेकिन उनका जो गाना वो मैंने से वही सुन रहा था। तो आप मतलब सब कोई नहीं था, सब फाका हो गया था। हाँ। तो उस समय मैं रात के टाइम में अकेली थी, मैं तो वही गाना ही सुन रही थी। हाँ। वो ही गाना गा रहा था। तो कौन सा गाना आप सुन रहे थे? मुझे मैंने याद करने के लिए कोशिश किया मगर याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो दीदी जैसे कि आपको भगवान से उनका लिए हम लोग तो दीदी जैसे कि सभी को, तो हम लोग दुखी हैं अभी, पूरा भारतवर्ष अभी दुखी है। हम लोगों का देश का एक रत्न चला गया, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका बहुत ही नाम था। हाँ, तो उसके लिए आप, हम लोग सभी गॉड से तो उससे हम लोग सभी को मिल करके गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका आत्मा को भगवान शांति, हम लोग का विवश को कि भगवान प्रार्थना करने के लिए कि हम ये उसे गॉड को कि भगवान उसका आत्मा को शांति दे। हाँ, भगवान उनका आत्मा को शांति दे, क्योंकि उनके अलावा तो कोई किसी से शांति नहीं मिल सकता। कोई इंसान इंसान को शांति नहीं दे सकता। अगर देता तो दुनिया में कभी दुश्मनी पैदा नहीं होता था, शत्रुता सृष्टि हो तो ना, हिंसा हिंसित था तो ना, हिंसा भी नहीं रहता, शत्रु माना दुश्मनी भी नहीं होता है। अगर तो उनसे जब कभी, जब आपको वहाँ बॉलीवुड में चांस मिला था, तो उनसे आप मिले थे क्या? अजी, मुझे बॉलीवुड में कहाँ चांस मिला, मैं तो सिंगिंग ही सब में गया। हाँ, तो मैंने कोई एक्टिंग के लिए नहीं गया वहाँ पे। गाना गाने के लिए मौका मिला तो उनसे मिले थे? हाँ जी, वो तो हिमेश जी के साथ गाया, मैंने अभी सुनाया आपको गाना। हाँ हाँ। और जो भी बाकी जो गाना पहले, तो वो बात जब हिमेश जी ने वो गाना सुना तो उन्होंने रोने लगी। हाँ हाँ। उन्होंने हिमेश जी ने रोया और उसके बाद कुछ डिसिप्लिन के बारे में बात बताया, लेकिन कोई किसी के मतलब उनके बात कोई सुना नहीं। हाँ। वो यहाँ आना नहीं चाहते, मगर बोला था अगर वो यहाँ आएंगे तो 10 लाख लेंगे, वो बात भी उन्होंने किया था। मगर क्या है ना, इंसान की जिंदगी में हर टाइम रुपया बड़ा नहीं होता। इंसान का आई मीन स्वभाव, तार व्यवहार टाइम अनेक समय अनेक क्षेत्र सेटाई भालो लगे। हाँ, तो पैसा सबसे बड़ा नहीं होता, व्यवहार ही सबसे बड़ा होता, कभी कभी अच्छा लगता है जी, ना। हाँ। यही बात, अभी ये जो आया था देखो, उसके उस दिन उसने मेकअप किया था, कोई देवी था वो। हाँ। मगर उनका चेहरा। हाँ। वो अभी उस दिन आके जो जिस तरह से उसने दिखाया था, वो लखनऊ का कोई सीन था। लखनऊ में जो मॉडलर के साथ जो मॉडलिंग करवाया था ना, वो कुछ बात था वैसा, इसलिए। लेकिन वो बात मुझे पता चला, लेकिन क्योंकि वो जो हमने आप लोगों के इसमें दिखाया ना मोबाइल पे, उसका चेहरा कुछ अलग था। मतलब उसमें बहुत मेकअप किया था, तो उसके लिए अच्छा दिख रही थी। मारे उसने जो मेकअप किया वो कुछ और, कुछ अलग। लेकिन वो मेकअप करने का मतलब शायद वही समझा। हाँ हाँ। तो दीदी जैसे बप्पी लहरी को आपने फेस टू फेस कभी देखे थे क्या? जी नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? नहीं। बप्पी लहरी जो के ऐसा हमारे गली में जो बापी था उस दिन आया था, वो बापी को तो देखा, और बप्पी लहरी जो के म्यूजिक डायरेक्टर प्लस सिंगर, उनको नहीं देखा। नहीं देखे हैं आप बचपन से? लेकिन उनका आवाज बहुत, आप उनके गाना क्या बना रहे वो लोग पता नहीं है, बहुत बदबू आ रहा है।
खाने से मतलब झाल तो बहुत डाला और कुछ बहुत ही खराब ही चीज बना रहे हैं। तो गाइस हम आप दीदी के मुझसे गाने के लिए एक गाना लिख के लाए हैं जो कि हमको बहुत ही अच्छा लगता है, पपीता का गाना है, तो उस गाना को हम दीदी से गवाना चाहते हैं। तो गाना है आपका, हम नोटपैड में लिखे हैं, उसको निकाल लेते हैं। टू मिनट हाँ, ये गाना आपका यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना, ये गाना सुने हैं? ये बप्पी लहरी का गाया हुआ गाना है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो गाना क्या सुना सकते हैं थोड़ा सा? बप्पी लहरी का जो पाठ है वही सुनाती हूँ, ऐसा मुझे का नहीं, क्या पता नहीं होगा क्या। फिर भी यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, हर प्यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, हर प्यार कर, यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, हर प्यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, हर प्यार कर, बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सुन नहीं चांदी नहीं यार तो मिला हर प्यार कर ले, हर प्यार कर, हर प्यार कर ले। तो फिर मिलेंगे गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नो डॉक्टर।